माइंड मैप अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पोटेंशियल को अनलॉक करने और ये जानने के बारे में बात करेंगे कि तुम सच में कौन हो। एक ऐसे टूल की मदद जिसको DMIT टेस्ट बोलते हैं। DMIT क्या है? DMIT का फुल फॉर्म है डर्माटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। सुनने में थोड़ा टफ लगता है, पर बेसिकली ये तुम्हारा फिंगरप्रिंट का एनालिसिस को लेके तुम्हारा नेचुरल स्ट्रेंथ और एबिलिटी बता देता है। डर्माटोग्लाइफिक्स से फिंगरप्रिंट और रिज पैटर्न का स्टडी। DMIT टेस्ट के पीछे ये आइडिया है कि ये पैटर्न तुम्हारी माँ का पेट में ही बन जाते हैं और ये तुम्हारे ब्रेन डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं। इसीलिए इनका एनालिसिस करके हम तुम्हारे डोमिनेंट इंटेलिजेंस, लर्निंग स्टाइल और पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में जान सकते हैं। DMIT लेने के फायदा क्या है? तो आप DMIT टेस्ट क्यों लेना चाहेंगे, वो देखो कुछ रीजन है। सेल्फ डिस्कवरी, ये तुम्हारा नेचुरल टैलेंट्स और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, जो करियर पाथ, पढ़ाई या हबी चूज करने में काम आ सकता है। इम्प्रूव लर्निंग, अपना लर्निंग स्टाइल समझने से तुम ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से सीखने के लिए स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो। बेटर डिसीजन मेकिंग, अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स जानकर तुम ऐसे डिसीजन ले सकते हो जो तुम्हारे वैल्यूज और गोल के साथ है। एनहांस रिलेशनशिप, खुद को अच्छे से समझने से दूसरों को भी अच्छे से समझ सकते हो, जिससे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होती है। DMIT टेस्ट कौन ले सकता है? DMIT टेस्ट हर एज के लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल टूल हो सकता है जो ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं। प्रोफेशनल जो करियर चेंज देख रहे हैं, या फिर पेरेंट्स भी जो अपने बच्चों के अच्छे से समझ चाहते हैं। DMIT टेस्ट कैसे लें? DMIT टेस्ट लेने के कुछ डिफरेंट वेज हैं। तुम ऑनलाइन सर्टिफाइड DMIT प्रैक्टिशनर ढूंढ सकते हो, या फिर अपने एरिया में वो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स लेंगे और फिर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज करके उनका एनालिसिस करवाएंगे। टेस्ट रिजल्ट्स में आमतौर पर एक रिपोर्ट होगी जिसमें तुम्हारी डोमिनेंट इंटेलिजेंसेस, लर्निंग स्टाइल और पर्सनालिटी ट्रेट्स की डिटेल होंगे। क्या DMIT टेस्ट एक्यूरेट है? DMIT टेस्ट की एक्यूरेसी साइंटिफिक रिसर्च है जो ये सपोर्ट करता है कि फिंगरप्रिंट ब्रेन डेवलपमेंट से जुड़े हैं, इसके ऊपर निर्भर है। एंड आज तक जितना भी DMIT टेस्ट हुआ है, पेरेंट्स का फीडबैक अच्छा ही आ रहा है। मतलब DMIT का एक्यूरेसी 95% से ज़्यादा, मेरा एक्सपीरियंस ये है। आखिर में ये कि आप DMIT टेस्ट लेना चाहते हो या नहीं, ये आपका डिसीजन है। लेकिन अगर आप खुद के बारे में और अपनी पोटेंशियल के बारे में जानना चाहते हैं तो ये एक बेनिफिशियल टूल ज़रूर हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर आपने DMIT टेस्ट दिया है तो हमें कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बताएं, हम आपसे सुनना चाहते हैं। अगर आपने नहीं दिया है तो ट्राई कीजिए एक बार DMIT टेस्ट लेने के लिए, जो कि आपको हेल्पफुल ज़रूर हो सकता है। Thank you very much.